नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं इंडियन सेडान के सामने जिसका नाम है होंडा मेज और इसका फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट आप लोग दे रहे हैं जो रिसेंटली 2022 में आपको होंडा सेल कर रही है। अगर इसकी की बात की जाए तो ऐसी कुछ की प्रोवाइड करती है होंडा मेज में, जिसमें लॉक अनलॉक एंड होल्ड का आपको फीचर्स मिलेगा। होल्ड का मतलब जैसे मैंने दबाया आपका बूट थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, सो आप इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोग, और अगर इसकी फ्रंट लुक की बात की जाए तो फेसलिफ्ट में काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं इसमें। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंजेस इसकी हेडलैम्प को किया गया है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलेगी विथ DRL के साथ। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा। बाकी की आप एक क्रोम फिनिशिंग देख रहे हैं, ये भी काफ़ी इसको फ्रंट लुक को इन्हेंस कर रही है। ग्रिल भी की चेंज कर दी गई है, नीचे लैम्प प्लेट इसका प्लेट और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm है। होंडा मेज कंपीट करती है टाटा टिगोर, फोर्ड एस्पायर वो तो अभी चली गई है वैसे, और मारुति सुजुकी डिजायर इनसे कंपीट करती गई। यह कुछ इसकी फॉग लैंप, यहाँ पर भी आपको LED सेटअप दिया गया है, यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश दी गई है। प्राइस रेंज शुरू होती है 6.90 लाख से 11.30 लाख तक, ये इसका मैं एक्सरूम प्राइस आपको बता रहा हूँ, और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है आपकी प्राइसिंग। एक बार देख लीजिए फ्रंट लुक इसकी। अब चलिए इसकी साइड लुक की बात की जाए, वह है कुछ इसकी साइड लुक। साइड लुक में सबसे बड़ा चेंजेस इसकी अलॉय व्हील को किया गया है। इसकी प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्रोफाइल है 175/65 R15 inch के। आपको इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेगी, जिनकी डिज़ाइन और इनकी स्टाइल काफ़ी हम लोगों को इस गाड़ी के साथ सूट कर रही है। सस्पेंशन इसमें आपको कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगी, और रियर में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेगी जो काफ़ी कंफर्टेबल राइड बना देंगे। यह कुछ के ORVM इंडिकेटर आपको यहीं पर मिल जाएगा। कोई 360 degree कैमरा नहीं दिया गया है जो होंडा सिटी के टॉप मॉडल में दिया गया है, तो प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं। ये इसकी क्रोम गार्निशिंग, और अब मैं आपको बताना भूल गया, इसमें कुछ बाकी की एसेसरीज भी इंस्टॉल की गई हैं जो शोरूम द्वारा डाली गई हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक सेंसर भी मिल जाएगा क्रोम फिनिश। यह कुछ इसकी रूप सब रूप अभी नहीं आती, यह कुछ इसका साइक्लोन एंटीना, ये देखिए साइड लुक में तो भाई ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलिए इसकी बैक लुक की बात की जाए, तो यह कुछ इसकी बैक प्रोफाइल। तो सबसे पहले हेडलैम्प, इसके टेल लैम्प देखिए आप, फुल LED टेल लैम्प मिल जाएंगे आपको जो रात को देखने में इसको काफ़ी मस्त बना देंगे। ये है टॉप मॉडल VX iVTEC की बेजिंग, होंडा की बेजिंग, क्रोम फिनिश जो शोरूम द्वारा लगाई गई है, अमेज की बेजिंग। ये इसका स्पॉयलर है, चार पार्किंग सेंसर मिलेंगे विथ पार्किंग कैमरा, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक बार और बैक लुक देख लीजिए आप लोग। अब चलिए इसके बूट स्पेस को हम लोग अनलॉक करके देखते हैं कितना मिलेगा। ये 420 लीटर का, 420 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर बूट लैम्प भी ऑफर की गई है जो काफ़ी अच्छी बात है। यह कुछ इसकी स्टेपनी, इसकी साइज एक कम मिलेगी, 14 इंच की मिलेगी। बूट स्पेस काफ़ी सफिशियंट मिलेगा। चलो गाइस, तो अब इसके इंटीरियर में जहाँ एक्सेस करते हैं, सबसे पहले आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा, लॉक करने पर ऑटो फोल्ड ORVM भी आपको मिल ही जाएंगे। सिंपली आपको इसमें हाथ डालना होगा, बस ये खुल जाएगी। ये होंडा का काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे लगा है। सबसे पहले इसके फ्रंट डोर पैनल की बात की जाए, तो यहाँ पर सिल्वर टाइप की मिल गई जो इसको काफ़ी एनहेंस कर रही है। ये है इसका ग्रैब हैंडल, लॉक अनलॉक, ऑटो अप डाउन, ORVM के कंट्रोल, चार पावर विंडो के कंट्रोल आपको इसमें मिल ही जाएंगे, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, और बाकी तो यहाँ पर हार्ड टच है।
फोर स्पीकर का आपको इसमें शानदार म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा, वाटर होल्डर, यहाँ पर आप कोई मैगजीन वगैरह रख सकती हैं। अब चलिए इसके इंटीरियर की बात की जाए, तो सीट की या कुशनिंग की बात की जाए, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल लोग बैक वाली आपको इसमें मिली जाएगी। यहाँ पर आपको फ्यूल टंकी या आपकी बूट का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा यहीं से खोलने का। यहाँ पर आप यहाँ से भरेंगे इस पेट्रोल, 35 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है। ये है हमें इसकी इसका प्लेट जो शोरूम द्वारा लगाई गई है। और अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में आपको 3 इंच की MID मिल जाएगी जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑफ होंडा अमेज के बारे में आपको पता चलेगा। इसमें माइलेज, एवरेज, ट्रिप ए ट्रिप भी आपको इसमें टाइम वगैरह आपको इसमें इंडिकेट करेगी। यह है कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टीरियो के आपको इसमें कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात, इसके टॉप मॉडल में क्रूज कंट्रोल दिया गया है। ये हेडलैम्प की कंट्रोलर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलेंगी। सेफ्टी में 2 एयरबैग, ABS, EVD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिली जाएंगे। हाई स्टैंड स्टील का भी इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको 2 AC वेंट मिल जाएंगे। ये है 7 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, वॉइस कमांड आपको ये प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर फिनिशिंग की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश मुझे होंडा की लगी है अब तक। 2 एयरबैग, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। अगर इसकी मिरर की बात की जाए तो यह कुछ इसका मिरर, 2 रीडिंग लाइट मिलेंगी। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेगा। यहाँ पर वाइपर की कंट्रोल। ये है इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी सफिशियंट स्पेस के साथ। सीट कवर्स और विजिबिलिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी हम लोग को इसमें मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा। और इसका टॉप मॉडल है VX पेट्रोल मैनुअल के साथ। इसमें आपको CVT का भी ऑप्शन दिया गया है। और सीट की कुशनिंग की बात की जाए तो काफ़ी मस्त मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाएगा। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। USB पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिली जाएंगे HDMI के लिए। यहाँ पर 2 कप होल्डर। यह है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन जिसमें 5 गियर आते हैं पेट्रोल में। मैनुअल हैंड ब्रेक और ये आर्मरेस्ट शोरूम द्वारा अलग से एसेसरीज में आपको मिलेगा जिसको आपको पे करने होंगे। बाकी की एक बार और देख लीजिए इंटीरियर। ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाएगा। हेडलाइट लैंप की कंट्रोल। अब चलिए इसकी सेकंड रो में जाकर देखते हैं इसमें कितना स्पेस मिलेगा। तो मैंने अभी फुल पीछे कर लिया है अपनी सीट को, ड्राइवर सीट को। और इसके बैक डोर पैनल की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच भी मिल जाएगा। पावर विंडो की कंट्रोल। यह कुछ इसका स्पेस। ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये कंपनी द्वारा शोरूम द्वारा आपको अलग से पे करने होंगे तभी आपको ये एक्सरसाइज मिलेंगी। ये काफ़ी अच्छी है। अब चलिए इसके स्पेस की बात कर लिया है तो स्पेस वाइज देखिए आप लोग, ये थोड़े बाहर निकले हुए हैं। मैंने अभी अपनी पूरी फुल पीछे कर ली है सीट, तो भी आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा हम लोग को इसमें स्पेस मिल जाएगा। और ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बाकी की ये कुछ इसके सूट वगैरह को टांगने के लिए आपको इसमें हुक मिल जाएगा। ये कुछ इसका इंटीरियर। और यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। यह सीट आपको इसमें मैगजीन होल्डर भी मिल जाएगा। और इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये है इसका आर्मरेस्ट जिसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे।
जिसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी डिसेंट एनएफ है भाई, ठीक है। और तीन बंदे इसमें आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ से एक बार इंटीरियर की बात की जाए, और अगर इसके इंजन स्पेक्स की बात की जाए, तो ये है इसका 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 1.2 लीटर का इनलाइन फोर सिलेंडर आईवीटेक पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर है 88 bhp की एंड 110 nm टॉर्क के साथ। और इसमें आपको CVT ऑप्शन मिल जाएगा। और दूसरा इसका इंजन मिलता है डीजल 1.5 लीटर का इनलाइन फोर सिलेंडर आईवीटेक इंजन, जिसकी पावर है 98 bhp एंड 200 nm के टॉर्क के साथ। तो ये थी कुछ होंडा मेज VX टॉप एंड मॉडल